हमारे दांत आड़े, तिरछे, बेड़े जैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमारे दांत साफ सुथरे ना हो, पीले दिखाई देते हो, गंदे दिखाई देते हो, तो फिर इसका हमारे पर्सनैलिटी पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है गाइस। तो आज की रेमेडी में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने पीले दांतों को चंद मिनटों में चमका सकते हैं। तो जो दांत होते हैं ये हमारे चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, लेकिन अगर हमारे दांत पीले होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है। जब भी हमें किसी के सामने हंसना हो जाए, बोलना हो जाए, तो अगर आपकी भी ऐसी ही सिचुएशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इसमें क्या क्या करना है ये सब आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके और ये रेमेडी बनाने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको किचन से अपनी कुछ चीज़ें लेनी है और ये रेमेडी बन के तैयार हो जाएगी। और आपको इसे अपने दांतों पे अच्छे से ब्रश करना है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है जिंजर, जिसे कि हम अदरक बोलते हैं। ये अदरक हर किसी के घर में हर टाइम पे मिल जाती है। तो सबसे पहले अदरक को छीलना है और हमें इसका जूस निकालना है। छीलने से पहले हम अदरक को अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसमें जो भी इम्प्योरिटी हो वो निकल जाए। और अदरक का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अदरक का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, तीखा होता है। तो ये आपके दांतों में जो कीड़े लगने की प्रॉब्लम होती है या फिर आपके दांतों में थोड़ा मोड़ा दर्द होता है तो ये उस पर भी फ़ायदा करेगा। तो इसलिए हम अदरक का जूस ले रहे हैं। अब देखिए, इसको हम ग्रेट करेंगे और लगभग आपको एक से डेढ़ चम्मच जूस निकालना है। तो यहाँ पर इतना बड़े टुकड़ा से एक चम्मच जूस आराम से निकल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें क्या ऐड करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो आपको अदरक, सबसे पहले अदरक इस्तेमाल करना है। अदरक ज़रूर इस्तेमाल करना है इसमें, क्योंकि आपके दांतों पे ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आपके दांतों में जो भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी उसको भी ये रिमूव कर देगा। तो ये देखिए, जूस निकल गया है। अब इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा लेमन। तो आपको लेमन का भी जूस लगभग अदरक के बराबर ही डालना है इसमें। थोड़ा मोड़ा कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो अभी इसमें ऐड कर लेंगे लेमन, और लेमन भी स्किन को वाइट करने के लिए, टेस्ट को वाइट करने के लिए जाना जाता है। तो लेमन भी आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो इतना स्टेप करने के बाद आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको कौन सा पेस्ट लेना है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप या तो कोलगेट लीजिए अगर आपके पास कोलगेट है, तो अदरवाइज आप सेंसोडाइन लीजिए या फिर कोई भी पेस्ट लीजिए जो कि वाइट हो। इस टाइम बहुत सारे मार्केट में आपको टूथपेस्ट मिल जाएंगे, तो आपको कोई सा भी नहीं लेना है। आपको जो वाइट, जिसका पेस्ट हो, जिसका कलर वाइट हो, वो लेना है। तो इसके बाद हमने इसमें ऐड करी है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सेंधा नमक आपको लेना है, वाइट नमक नहीं लेना है, सेंधा नमक ऐड करेंगे जिसे रॉक सॉल्ट बोला जाता है। अगेन हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा मीठा सोडा, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करना है। और आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए कि ये एक बिल्कुल पेस्ट बन जाए। तो ये जो रेमेडी बन के तैयार हुई है, इसे आप बच्चों को भी ट्राई करवा सकते हैं, बच्चों के ऊपर उपयोग कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी इसे आराम से लगा सकते हैं। तो इसे आप ब्रश से लगाइए, अगर आपको ब्रश से लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप टूथ ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे उंगलियों से भी लगा सकते हैं। दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों ही काम करेगा उतना ही। तो चलिए अब मैं आपको इसे लगा के भी दिखा देती हूँ। इसे आपको वैसे ही करना है जैसे आप अपना डेली टूथपेस्ट करते हैं। तो आप इसे सुबह कीजिए, शाम कीजिए, और दो से तीन बार करेंगे, आप देखेंगे आपका जो दांत है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा और आपके दांत बहुत ही ज़्यादा चमकने लगेंगे। तो ये रेमेडी बहुत असरदार है, आपको इसे सुबह शाम जब भी आप करते हो उसी टाइम करना है। और एक ही साथ अगर आपने इतना बना लिया है तो आप इसको करके किसी डिब्बे में आप रख दीजिए, ख़राब नहीं होगा। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।